दोस्तों आप लोग भी अगर कुछ इस तरीके से अपना प्रोफाइल को जो है बनाना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट देखना पड़ेगा। आप लोग ऊपर से नीचे तक देख लेना, एकदम से ओपी वाला प्रोफाइल लगता है, पीआईवी वाला प्रोफाइल बोलते हैं इसको। तो इसको करने के लिए आप लोग को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और जो लास्ट वाला स्टेप है ये आप लोगों को और भी काम में आएगा आने वाले टाइम में, आपकी फेसबुक को और भी मतलब एकदम बेटर बनाने में काम आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने जो अपना अकाउंट जो है पहले जैसा कर लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी मतलब चेंज किया नहीं हुआ, सब पहले जैसा है। तो आप लोगों को मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग भी अपने अकाउंट में कर सकते हो। और ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, दूसरों के सामने अगर आपका प्रोफाइल खुलेगा तो आपका थोड़ा इंगेजिंग कुछ अलग सा होने वाला है। तो इसको करने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। पहले तो आपका एक क्लोजअप फ़ोटो, और उसके बाद एक बैनर जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और तीसरा है आप लोगों को एक एप्लीकेशन। आपकी जो क्लोजअप फ़ोटो के अंदर जो एक राउंड कलर का जो सर्कल है और एक ब्लू टिक जो है ये आपको इसी ऐप के अंदर ही मिलेगा। तो इसके लिए इस ऐप को भी आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, काम ख़त्म होने के बाद इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग वो वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना है जो आप लोगों को अभी मैंने दिखाया था, ये वाला एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको आप लोग को ओपन कर लेना है, तो इस तरीके का आप लोग को इंटरफेस दिखेगा और थोड़ा बहुत ऐड भी आएगा, फ्री का एप्लीकेशन है तो थोड़ा बहुत ऐड तो आएगा ही। तो ऐड को क्लोज़ कर देना है, और क्लोज़ करने में तो आप लोगों के सामने इस तरीके से सारे फ्रेम जो है खुल के आ जाएंगी। जो मैंने आपको फ्रेम बताया था ये फ्रेम आप लोग को यहाँ पर ढूंढ लेना है, बैच के अंदर आ जाना है। अब बैच के अंदर ये वाला ये जो फ्रेम दिख रहे हो ये वाला फ्रेम मैंने यूज़ किया था। फ्रेम के ऊपर क्लिक करना मत, ये जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करना यहाँ पे आपका फाइल शो हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को वो वाला फ़ोटो सिलेक्ट करना है जो आपका क्लोजअप वाला फ़ोटो था, वही आप लोगों को फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना क्लोजअप वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा क्लोजअप वाला फ़ोटो, तो इसको यहाँ से आप थोड़ा जूम वूम कर लेना। तो मेरे हिसाब से मैं इसको इस तरीके से जूम कर लेता हूँ, ना जूम होने के बाद अच्छा ये अभी से ही लग रहा है। उसके बाद ये जो सेव वाला बटन है इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है, एक ऐड आएगा उसके बाद आपका फ़ोटो जो है सेव हो जाएगा। जैसे ऐड आया, क्लोज़ कर दिया हमने, और हमारा जो फ़ोटो जो है अभी सेव हो गया गैलरी में। तो मैं आपको अपनी गैलरी में जाके वो वाला फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये वाले प्रोफाइल, ये इसका फाइल नेम देख सकते हो, ये वाला फ़ोटो भी सेव हो चुका है। इसी फ़ोटो को जो है आपको अपना प्रोफाइल में लगाना है। प्रोफाइल में लगाने के लिए आप लोगों को फेसबुक को ओपन कर लेना है यहाँ पे, उसका इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना प्रोफाइल के ऊपर। तो ये वाला फ़ोटो तो पहले से लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ब्लू टिक नहीं आ रहा है, तो ब्लू टिक के लाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। उसका ये पहले ही आ जाएगा आपका फ़ोटो, अभी आपने अभी सेव किया था तो ये आ गया है। उसके बाद इसको हम सेव के ऊपर क्लिक कर दें, ये फ़ोटो जो अभी लग गया है, पहले से थोड़ा बहुत बेटर दिख रहा है अभी मेरे हिसाब से। आप लोग के हिसाब से क्या होगा आप लोग कमेंट में बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले से बेटर लग रहा है अभी। दूसरा जो है हमारा जो बैनर, तो बैनर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पहले गैलरी पे जाके। तो ये मैंने खुद से एडिट किया है, ये पिक्सल लैब से एडिट किया है मैंने, आप लोग देख सकते हो उसी तरीके का ये बैनर है। तो इसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसको लगाने के लिए फिर से आप लोग को फेसबुक के अंदर आ जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, लोडिंग लेगा। उसके बाद ये वाला इस कैमरे के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये अपलोड फ़ोटो के ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग गैलरी के अंदर जा के वो वाला फ़ोटो आप लोग ढूंढ लेना है कहाँ पे रखे हो आपने डाउनलोड करके। अभी ये वाला फ़ोटो हमें मिल गया है, हमने बैड बॉय करके बनाया था, मेरे पिक्सल लैब से बनाया था तो वहीं मिला है मुझे। उससे सेव के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो अभी देख सकते हो हमारा जो अभी आईडी जो है पहले से बेटर लग रहा है। तो वैसे आप लोग साइड में देख सकते हो पहले वाला है, और इस साइड में देख सकते हो अभी जो मैंने बनाया है यही है। तो आप लोग इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट पे बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।